नमस्कार दोस्तों। तो अभी जिस ऑफर के बारे में मैं आपको बोलने जा रहा हूँ, मुझे लगता नहीं था कि सैमसंग की तरफ से ऐसा बढ़िया ऑफर आपको मिल सकता है। चलिए सैमसंग की तरफ से छोड़ ही दीजिए, अगर किसी दूसरा ब्रांड भी होता तो प्रोबेबली इससे बेटर स्मार्टफोन आज के दिन में कोई भी पॉसिबल नहीं होता इस प्राइस रेंज में। आपको तो मालूम है स्नैपड्रैगन 750G बहुत ही पावरफुल प्रोसेसर है गेमिंग के लिए। इसका नॉर्मल टर्म में प्राइस, मतलब सैमसंग गैलेक्सी F23 5G इसका नॉर्मल टर्म में प्राइस कितना है, 16 से 17 हज़ार रुपये के आसपास। लेकिन इस बिग बिलियन डे के सेल में ये स्मार्टफोन आपको मिलेगा 11 हज़ार पे। मतलब इसका यही मीनिंग होता है 120Hz रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले और स्नैपड्रैगन 750G जैसा स्मार्टफोन आपको मिलेगा 11 हज़ार पे। तो इसलिए इस वीडियो में देखेंगे कि इतना बढ़िया स्मार्टफोन सैमसंग किस ऑफर के जरिए ये हमें प्रोवाइड कर रहा है। तो इस वीडियो में इस चीज़ के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना कोई बात कवाए। और आज का वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप गैजेटल चैनल पर नए हो और इसे कमाल के ऑफर के बारे में डेली देखना चाहते हैं तो गैजेटल चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए मैं आपको एकदम लाइव दिखा देता कि वो ऑफर एक्चुअली कौन सा है। तो जैसे कि देख सकते हैं गैलेक्सी F23 इधर आ चुका है। इसका नॉर्मल टाइम में प्राइस आप लोगों को तो मालूम ही है 16 से 17 हज़ार रुपये इसका नॉर्मल टाइम में प्राइस है। लेकिन आप देख सकते हैं अभी ये स्मार्टफोन आपको मिल रहा है विदाउट कोई कार्ड ऑफर 12,500 रुपये पे। मतलब सैमसंग वालों ने इसके ऊपर ऑलरेडी 3,500 रुपये का डिस्काउंट दे दिया है विदाउट कोई कार्ड ऑफर। मतलब आपके पास किसी कार्ड की जरूरत ही नहीं, ऐसे ही आप ले सकते हैं 12,500 रुपये पे स्नैपड्रैगन 750G वाला स्मार्टफोन, जो कि अपने यहाँ बहुत ही बढ़िया बात है। लेकिन फिर भी देख सकते हैं इसका प्राइस अभी भी है 12,500 रुपये। तो 11,000 रुपये लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो जैसे कि इस जगह पे देख सकते हैं ऑल ऑफर्स एंड कूपन्स, इसके ऊपर जैसे क्लिक करेंगे इधर सभी के सभी ऑफर आपको मिलेगा। तो इधर एक्चुअली बहुत सारे ऑफर है, आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, मैं भी कंफ्यूज हो गया था पहली बार, लेकिन मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ। मतलब मुझे जो चीज़ मालूम चला है, इसमें एक्चुअली आपको दो ऑफर देखने को मिलेगा। पहला ऑफर, मतलब दो ऑफर आप एक साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला ऑफर, अगर आपके पास एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड है तो दोनों ही अगर आप इस्तेमाल करेंगे, मतलब दोनों में से अगर कोई एक इस्तेमाल करेंगे तो आपको 278 रुपीज़ का डिस्काउंट मिलेगा। सेम ऑफर आपको मिलेगा अगर आप ICICI बैंक का डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करेंगे। मतलब इस दोनों कार्ड अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो एग्जैक्टली सेम ऑफर आपको मिलेगा। लेकिन क्रेडिट कार्ड होने की कोई जरूरत नहीं, डेबिट कार्ड की मदद से भी होगा। अब इसके बाद अगर आपके पास सिर्फ ICICI बैंक का डेबिट कार्ड है, कोई क्रेडिट कार्ड की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ अगर आपके पास डेबिट कार्ड है और अगर आपका परचेज वैल्यू 5,000 के ऊपर है, ऑब्वियसली फोन का प्राइस है 12,000 के ऊपर, मतलब ये ऑफर आपको मिल जाएगा। तो अगर आप डेबिट कार्ड के जरिए पेमेंट करें तो आपको 1,000 रुपये का डिस्काउंट ऐसे तो मिलेगा, उसके साथ आपको 278 रुपीज़ का और डिस्काउंट को मिलेगा, मतलब टोटल 1,200 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा। लेकिन अगर आपके पास लकीली ICICI बैंक का या फिर एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड है तो आपको 1,200 के बजाय टोटल 1,500 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा। मतलब 1,500 रुपये अगर हम मिलाते तो जैसे कि देख सकते 12,500 इसके ऊपर अगर आप 1,500 रुपये का क्रेडिट कार्ड डिस्काउंट और वो जो क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करने के लिए 200 रुपये का और डिस्काउंट मिल रहा है, मतलब टोटल 1,700 रुपये के आसपास आपको डिस्काउंट मिलेगा। मतलब अल्टीमेट प्राइस हो जाएगा वही 10,000 रुपये के आसपास, और 10,000 के हिसाब से टोटली अनबीटेबल वाला स्मार्टफोन है। और अगर हम इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करें, जैसे कि देख सकते हैं इस प्राइस में आपको मिलेगा 4 120GB जो कि ठीक ठाक है, उसके साथ स्नैपड्रैगन 750G प्रोसेसर जो कि बहुत ही बढ़िया एक प्रोसेसर है, और उसके साथ 50MP का ट्रिपल कैमरा सेटअप, 8MP का सेल्फी कैमरा, 6.6 इंच 120Hz फुल HD+ डिस्प्ले और 5000mAh का बैटरी। इतना बढ़िया ऑफर सैमसंग की तरफ से आपको मिल रहा है 10 से 11 हज़ार रुपये के अंदर। तो इसलिए मैं आपको बोलूंगा अगर आपके पास कोई भी सस्ते वाले स्मार्टफोन है तो इसके साथ एक्सचेंज करने की कोशिश कीजिए या फिर इसे डायरेक्टली बेच देने की कोशिश कीजिए, जिससे कि जब आप इस गैलेक्सी F23 को लेंगे तो और भी कम पैसे में आपको मिलेगा। तो अभी आप मुझे कमेंट में जरूर बताने कि जो गैलेक्सी F23 इस प्राइस रेंज में क्या आप इसे लेना चाहेंगे या फिर किसी दूसरे ऑफर के लिए वेट करेंगे, इसके बारे में मुझे से क्वेश्चन करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक स्टे ट्यून्ड एंड ऑलवेज रिमेंबर, थिंक पॉजिटिव बी पॉजिटिव। थैंक यू।